अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक फ़ियाज़ है, सीईओ क्लासिक स्टेट। मैं तकरीबन अरसे 10 साल से बैरी इनक्लेव के साथ काम कर रहा हूँ। हम बैरी इनक्लेव में बिल्कुल जब बैरी इनक्लेव स्टार्ट हुआ था तब से हम बैरी इनक्लेव में काम कर रहे हैं। हमारी मेन ब्रांच जो है क्लासिक स्टेट की वो इनक्लेव के अंदर है, और हमारा दूसरा ऑफिस एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमारा जो ऑफिस है वो हमने चकरी अड्डा में ऑफिस रखा हुआ है, जो हमारा होम टाउन है चकरी, वहाँ पर हम लैंड का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिक स्टेट में हमारे पास प्रोफेशनल और क्वालिफाइड स्टाफ है। कुछ लोग प्लॉट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स और कमर्शियल को डील करते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है ना वो इनक्लेव टू के बैलेंस को हैंडल करते हैं। तो हमारा स्टाफ अपने अपने काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, और हमारा स्टाफ अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रांसपेरेंट डील करता है। क्लासिक स्टेट पिछले 10 साल से बहरिया इनक्लेव में रियल स्टेट का काम कर रही है। इस दौरान हमने बहरिया के साथ बहरिया से डील्स भी ली, बहरिया के साथ कमर्शियल प्लॉट्स का काम किया। देखें, क्लाइंट हमेशा आपको प्योरिटी तब देता है जब आप प्रॉपर क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं अपनी सर्विसेज से। आप क्लाइंट के साथ जब आपका क्लाइंट आपसे मुतमिन होता है, आपसे प्रॉपर आप उसको मैनेज करते हैं, उसको सारी सर्विसेज देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी लोगों को छोड़ के आपकी तरफ आएगा। हम तकरीबन पिछले 4 साल से zameen.com के साथ काम कर रहे हैं। zameen.com का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। हमने बेसिकली zameen.com के साथ स्टार्ट मार्केट में लोगों को देखा, जब उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो हमने भी स्टार्ट लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि zameen.com ने हमें अच्छे क्लाइंट दिए, हमें अच्छा बिजनेस दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक एहसान और मैं लास्ट 6 ईयर से क्लासिक स्टेट पर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, हमारी टीम देख रही है। और इसके अलावा सेल्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम है, और हम अपनी पूरी नेक नीति से, ईमानदारी से अपने जो मौजूद क्लाइंट हमारा होता है उसको हम नेक नीति से एक सही मशवरा देते हैं, और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम उसको वो भी सही मायनों में बताते हैं।